सुपर टेस्टी एंड डिलीशियस हल्दीराम का पंचरत्न नमकीन जो कि आज हम घर पर ही बनाने वाले हैं। इतना क्रंची और कुरकुरा, खाने में इतना टेस्टी और डिलीशियस है। ये एकदम से मार्केट स्टाइल मिलता है जो कि आप हल्दीराम का अक्सर खाते हैं पंचरत्न नमकीन, ये बिल्कुल वही है। इसमें डलने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स अक्सर आपके घर में हमेशा होते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वरीमन किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं हल्दीराम का पंचरत्न नमकीन। तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे से भी मैं अगर कोई ऐसी डिलीशियस सी रेसिपी अपने चैनल पर डालूं तो आप तक वो पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं बैलम किचन में। तो आपने देख तो लिया है कि ये कितना क्रंची बना है, एक बार फिर से देखिए। ये आप आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये देखिए। सो लेट्स कम। पंचरत्न नमकीन बनाने के लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इसे अच्छे से छील लिया है। और इस रेसिपी के लिए आलू हमेशा फ्रेश ही यूज़ करें, बो आलू मत यूज़ कीजिएगा, जो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं उससे हमारी जो रेसिपी है नमकीन है वो अच्छी नहीं बनेगी। आलू के लच्छे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कद्दूकस। ये देखिए इसकी 4 साइड्स होती है, ये साइड जिसे हम चिप्स वगैरह कट करते हैं, हम इधर से भी बना सकते हैं। ये थोड़ी मीडियम साइज़ की है, जो उनसे बारीक है, और ये सबसे मोटी वाली, जो सबसे मोटी वाली है हम इस तरफ से आलू को ग्रेड करेंगे। तो ग्रेड करने के लिए मैंने नीचे एक थाली रख ली है, अब हम इसे ग्रेड कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम इसे साथ ही साथ एक पानी में डालते जाएंगे, पहले थोड़ा और ग्रेट कर लेते हैं। ये मैंने नॉर्मल बाटर लिया है, हम जैसे ही एक एक आलू को ग्रेट करेंगे और साथ ही साथ इसे हम पानी में डालते जाएंगे, वरना इसका जो कलर है आलू का वो ब्लैक पड़ जाएगा, जान के जी डार्क हो जाएंगे। तो अभी जो बाकी बचे आलू हैं हम उन्हें भी ग्रेट कर लेते हैं। तो अभी मैंने सारे आलू ग्रेट कर लिए हैं, ग्रेट करने के बाद इसे तुरंत पानी में डाल देंगे। इसके लिए हमें पानी थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना होगा क्योंकि हम इन आलू को तब तक वॉश करेंगे जब तक कि इसका जो वाइट कलर है, स्टार्च है आलू का, वो अच्छी तरह से निकल ना जाए। मीन्स कि जब तक पानी क्लियर नहीं हो जाता इसे कम से कम 4-5 बार धोना पड़ेगा। आपने भी देखा होगा कि जो पंचरत्न का आलू लच्छेदार नमकीन होता है वो वाइट कलर में होता है, अगर हम आलू को डायरेक्ट फ्राई कर लेंगे तो ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो इसलिए जब हम इसे 3-4 पानी में वॉश कर लेते हैं तो इसका कलर वाइट रहेगा, जो फ्राई करने के बाद ब्राउन नहीं होगा, इसलिए इसे वॉश करना ज़रूरी है। और वॉश भी हमें बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, वरना जो हमारे आलू के लच्छे हैं वो टूट फूट भी सकते हैं। तो अभी जो पानी बिल्कुल क्लियर है, आप देख सकते हैं कि पानी में बिल्कुल भी वाइटनेस नहीं है, पानी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। मैंने कम से कम इसे 5 बार वॉश किया है पानी में। तो ये इस रेसिपी की मेन ट्रिक है कि हमें आलू के लच्छे को अच्छी तरह से धोना है। बस ये देखिए कितना क्लियर पानी है, बस अब हम इसे किसी छन्नी में निकाल लेंगे। तो इसके लिए कोई भी छन्नी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसके नीचे एक और थाली रख रही हूँ। तो अब हम ये जो पानी के लच्छे हैं इन्हें अच्छी तरह से एक बार फिर से धोकर इस छन्नी में निकाल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें काम करना होगा ताकि हमने जैसे आलू को ग्रेड किया है, लच्छे बनाए हैं, वो वैसे ही रहे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होती है, टेस्टी स्नैक्स बनते हैं। जैसे कि आप बिल्कुल मार्केट से हल्दीराम के लेके आते हो ना पंचरत्न नमकीन, ये बिल्कुल वही बनाएंगे हम। तो लच्छे को सुखाने के लिए मैंने एक कॉटन का दुपट्टा ले लिया है, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, टावल ले सकते हैं। तो उस पर हम अपने जो लच्छे हैं उसे इस तरह से फैला देंगे इनमें से, ताकि जो पानी है वो अच्छी तरह से सूख जाए। अभी ऊपर से एक बार फिर से इस तरह से कॉटन के कपड़े को हल्का हल्का सा दबाएंगे ताकि ये जो सारा पानी है वो सूख जाए। हल्का हल्का हल्के हाथों से दबाएंगे
अभी 4-5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही सूखने देते हैं। जब तक हमारे आलू लच्छा ड्राई हो रहे हैं तब तक हम स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं इसके लिए। ये डाला है मैंने 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून डाल रहे हैं चाट मसाला। आप यहाँ पर चाट मसाले की जगह आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून भर कर डाल रही हूँ मैं चीनी जो कि पिसी हुई है, ताकि जो हमारे नमकीन का टेस्ट थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन आएगा, तभी तो जो पंचरत्न कहलाएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी हो गया हमारा स्पेशल मसाला तैयार। तो इधर हमारा फ्राई करने के लिए तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। आप फ्राई करने के लिए कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें डाल देंगे हमारे आलू के लच्छे। ये काम थोड़ा आपको ध्यान से करना होगा कि जैसे हम आलू के लच्छे ऑयल में छोड़ते हैं तो एकदम से ऑयल जो है कि बाहर की तरफ आता है, तो इसलिए पैन में उतना ही ऑयल डालें जितने कि में हमारे जो आलू के लच्छे हैं डूब जाएँ। ओवर ज़्यादा मत डालिए इसमें ऑयल, वरना तेल उछल कर बाहर आ जाएगा। हम तब तक आलू के लच्छों को नहीं छेड़ेंगे जब तक कि ये जो झाग है अपने आप नीचे बैठ ना जाए। और गैस फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो रखना है। जब आपको लगे कि ये क्रंची हो चुके हैं और निकालने लायक हो चुके हैं तो गैस को बंद कर दीजिए, वरना हमारे निकालते निकालते ही हमारे जो आलू के लच्छे हैं वो जल सकते हैं। तब जो क्रंची हो चुके हैं तो इन्हें निकाल लेते हैं। तो मैंने किसी छलनी की हेल्प से निकाल रही हूँ, ये देखिए किसी किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अभी दूसरा पैच भी डाल देते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे से डालिएगा ये देखिए इस तरह से, वरना जो तेल है वो बाहर आ जाएगा। ऐसे ही जो झाग नीचे हो जाए थोड़ा और लच्छे डाल देंगे। तो एक बैच को फ्राई होने के लिए कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। उसी तरफ एक पैन में डालेंगे थोड़ी सी मूंगफली, कुछ काजू और कुछ बादाम। इन्हें भी हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं ताकि इनमें भी थोड़ा क्रंचीपन आ जाए। अगर कोई इनमें नमी है तब वो निकल जाए, जो हमें सिले सिले हो जाते हैं ना ड्राई फ्रूट्स बड़े बड़े, तो उसके लिए हम इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेते हैं ताकि ये भी क्रंची हो जाए। तो इस तरफ हमारा जो दूसरा बैच है वो भी हो चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं। तो ये मेरे पास कुछ करी लीव्स है, इन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं। जब इनमें क्रंचपन आ जाए तो निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे हमारे फ्राई किए हुए लच्छों में। और जो कुछ किशमिश है यानी कि सौगी, इसे भी बस 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, इससे पहले कि ये फूल जाए उससे पहले हम इसे निकाल लेंगे। और अब ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए हैं उन्हें भी ऐड कर लेते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स को डीप फ्राई भी कर सकते हैं ऑयल में। तो अब हम ऐड करेंगे हमारा बनाया हुआ स्पेशल मसाला जो कि हमने पहले ही बना कर रखा हुआ था, और इसे हल्के से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे टॉस कर लेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पंचरत्न हल्दीराम का नमकीन जो कि है वे रेडी हो चुका है खाने के लिए। ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। मैं आपको ऐसे हाथ में तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितना क्रंची बना है। देखिए, सुनिए आपने आवाज़, ये देखिए कितना क्रंची बना है हल्दीराम का पंचरत्न नमकीन। अब आप इसे कभी भी बनाइए और इंजॉय कीजिए। बट जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।